चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, डेली हमारे पास 2-4 क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले दिन। उस दिन तुम्हें क्या करना होगा, क्वेश्चंस को देखोगे, उनके हमारे पास अगर 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन के हिसाब से, या फिर अगर कन्वर्जन है तो तुम्हें बताना है कि उसके रीजन क्या होंगे और कमेंट करके बोलना होगा, ठीक। जिनको आता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिनको डाउट होता होगा नेक्स्ट वीडियो में आओगे तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे होंगे हम लोग, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चंस देखेंगे और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। कब तक? जब तक हमारा एग्जाम ना हो जाए, बेहतरीन तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख ना लें। आज के लिए क्या करेंगे, आज तो हमारे पास पुराने क्वेश्चंस तो है नहीं क्योंकि आज तो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, तो स्टार्टिंग में हम लोग 2-4 चीजों को डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट में 2 तुम्हारे लिए आज कन्वर्जन्स होंगे, उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है और बताना है कमेंट करके, और बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा जिससे कि अपना भी मन लगा रहे और तुम्हारा भी लगा रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने में, ठीक। चलो तो आज हम लोग क्या करने चल रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग में 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा नाम होता है जिसको बोलते हैं ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट। ये क्या चीज है आप देख लेते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या यूज होता है इसका, ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट। ये क्या चीज है भाई, एक छोटा सा हमारे पास कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है Pt3Al ट्राइएथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4 टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। कुछ जगहों पे तुम्हें ऐसे भी मिल सकता है, ट्राइएथाइल एल्यूमिनियम Me3Al प्लस TiCl4, इसको बोलते हैं ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट। तो सबसे पहले तो हमें ख्याल होना चाहिए ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट है क्या, ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट क्या है, वो है Me3Al TiCl4 या फिर Me3Al TiCl4। चलें तो ये तो हो गया ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट। अब किस चीज में यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में। किसके पॉलीमराइजेशन में, हमारे पास है इथीन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर हमें इसका पॉलीमराइजेशन कराना हो तो हम लोग अगर नॉर्मली इसका पॉलीमराइजेशन कराओ बिना ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट के तो होता क्या है, ये पॉलीमराइज हो जाता है, लेकिन जो हमें पॉलीमर मिलता है वो बहुत ही बेकार होता है, बहुत सारी उसमें ब्रांचिंग होती है, उसकी वजह से जो पॉलीमर मिलता है उसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, बिल्कुल कूड़ा जैसा रहता है। लेकिन अगर हम लोग ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट डाल दें, ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट Pt3Al TiCl4, तो ये पॉलीमराइज होते हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक लाइन में पॉलीमराइज होते हैं, हमें मिलता है लीनियर पॉलीमर। क्या मिलता है अपने को, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, जी हाँ बिल्कुल एक लाइन में मिलता है पॉलीमर CH2 CH2, ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा कहाँ तक, बहुत दूर तक, और एक लाइन में लगे रहते हैं, कहीं पे भी बीच से ब्रांचिंग नहीं क्रिएट होता। तो जो यहाँ से पॉलीथीन मिलता है उसको बोलते हैं HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसका यूज कर लेते हैं बकेट्स के फॉर्मेशन के लिए, बकेट को बनाने के लिए या फिर चेयर्स को बनाने के लिए, किसको, इस HDPE को, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लेकिन जो अगर हम ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट ना यूज करते तो पॉलीमराइज हो जाता, लेकिन जो पॉलीमर मिलता वो होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ब्रांच पॉलीमर होता है, बेकार होता है, पॉलीथीन बनाने के लिए यूज हो पाता है बस। लेकिन ये पॉलीथीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसको और कहीं भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट, हम लोगों ने इसको सीख लिया। अच्छा, और एक ये समझ में आ गया ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट, इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, किस में यूज होता है ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में, और किसको बना के देता है, बना के देता है ये पॉलीथीन को, पॉलीथीन को। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोसेस होता है जिसको अक्सर ऑर्गेनिक में हम लोग देख नहीं पाते, छूट जाता है, वो इधर उधर रहता है, उसको बोलते हैं वाइकर प्रोसेस। किस प्रोसेस की बात किया जा रहा है, वाइकर प्रोसेस। अच्छा, ये वाइकर प्रोसेस क्या होता है, ये भी इथेन से ही रिलेटेड है। अगर हम लोग इथेन की हाइड्रोलिसिस कराएं और चाहे कि ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर दें, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पाई बॉन्ड किसी ना किसी तरफ शिफ्ट होगा, दोनों तरफ CH2 CH2 है, मान लेते हैं पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, तो प्लस भी क्या लग जाएगा वाटर से, OH लग जाएगा, माइनस भी क्या लग जाएगा वाटर से, H, तो ये चला जाएगा CH3 CH2 OH।
अच्छा, उसके बाद हम चाहते हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाए। प्राइमरी एल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन होना आसान है, तो हम चाहते हैं ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाए। लेकिन ऑक्सीजन इसको बहुत आराम से ऑक्सीडाइज नहीं करा सकता, इवन वाटर से रिएक्शन भी नहीं होता इसका बड़े आराम से। तो उसके लिए क्या करते हैं, इथेन की रिएक्शन कराते हैं एक्वस मीडियम में ऑक्सीजन के साथ। तो वो भी किसकी प्रेजेंस में, जिसकी प्रेजेंस में कराते हैं वही इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट, PDCl2 या कभी कभी तुम्हें किसी जगहों पे मिल सकता है CuCl2। दोनों में से कोई एक, चाहे तुम PDCl2 यूज करो, NCERT के हिसाब से हमें PDCl2 ध्यान रखना चाहिए, वहां पे मेंशन है PDCl2 एज ए कैटलिस्ट यूज होता है वाइकर प्रोसेस में। और पहले तो ये चला गया एल्कोहल में, अब जो ऑक्सीजन है वो इसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए एक ही CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कराते हैं। क्या देकर के, जब भी ऑक्सीडेशन कराना होता है बॉन्ड को ब्रेक करते हैं OH देकर, ये गंगा जल बन के चले जाएंगे। एक कार्बन पे दो OH आएगा तो HOH वाटर बन के निकल जाएगा, हमें क्या मिलेगा CH3CH2, मतलब इथीन को ऑक्सीडाइज करा देते हैं एसीटल्डिहाइड में, या ऐसे बोले एथेनल में। एथेनल बनाने के लिए अक्सर ध्यान रखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, इथीन को एथेनल बनाने के लिए बिल्कुल सस्ता तरीका होता है, एटमॉस्फेयर से हवा खींच लो और पानी तो फ्री में मिलता ही है, डाल दो इथीन में PDCl2 की प्रेजेंस में, ये तो कैटलिस्ट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार लेकर चले आओ, बन जाता है एथेनल। ये हो गया वाइकर प्रोसेस। ध्यान रखते हैं वाइकर प्रोसेस में कैटलिस्ट PDCl2 या फिर CuCl2 होता है। अच्छा, अब तक हम लोग दो छोटी चीज सीख गए इस वीडियो में, एक तो हमारे पास हो गया जिग्लर-नेटा कैटलिस्ट और दूसरा हो गया वाइकर प्रोसेस। जिग्लर-नेटा कैटलिस्ट Ag3Al TiCl4 या फिर Me3Al TiCl4, और दूसरा पॉइंट हो गया वाइकर प्रोसेस। वाइकर प्रोसेस क्या है, इथीन को, इथीन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है एथेनल में, तो सिंपल हवा पानी डाल दो और कैटलिस्ट ले लो तो वो चला जाता है एल्डिहाइड में। अगर एल्डिहाइड को अगर तुम PDCl2 और CuCl2 के प्रेजेंस में नहीं रखोगे तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडाइज होकर के कहीं और भी जा सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमारे लगातार इस D9OC की सीरीज में चलता रहेगा। D9OC क्या है, डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये फर्स्ट लेक्चर में अब आज के टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तुम्हारा काम है कि हम कैसे कन्वर्ट कराएं 4-नाइट्रो-टोलुइन को, 4-नाइट्रो-टोलुइन को कैसे लेकर जाएं। हमारे पास 4-नाइट्रो-टोलुइन ये रिएक्टेंट है, क्या क्या तमाशा करें कि जो 4-नाइट्रो-टोलुइन है वो कन्वर्ट हो जाए मेटा ब्रोमो, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, कहां कहां 1,3-डाइब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए, या मेटा डाइब्रोमो बेंजीन बोल दो किसको, 4-नाइट्रो-टोलुइन इसको वहां लेकर जाना है। क्या करें कमेंट करके बताना है, शर्माना नहीं है, लगे रहना है, तभी तुम्हें भी मजा आएगा, अपने को भी मजा आएगा। सेकेंड दूसरा कन्वर्जन क्या है, सिंपल सा है, हमारे पास है CH3CH2Cl, इसको कहां लेकर जाना है, इसको लेकर जाना है तुम्हें दूर थोड़ा सा, CH3CH2CH2 और NH2 इस अमीन में लेकर जाना है इसको, कहां कहां CH3CH2CH2NH2, मतलब हमें CH3CH2Cl को इथाइल क्लोराइड को लेकर जाना है नॉर्मल प्रोपाइल अमीन CH3CH2CH2NH2। क्या करें कि ये कन्वर्ट हो जाए, क्या करें कि ये कन्वर्ट हो जाए, इन दोनों कन्वर्जन्स के आंसर्स कमेंट करके बताना है। ठीक, तो D9OC की फर्स्ट सीरीज में हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हाजिर हैं और तुम्हें इसका आंसर बोलना है और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और अगर तुम्हें जानना है इसका करेक्ट आंसर क्या है तो अगले दिन सुबह सुबह जिस टाइमिंग पे ये वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख रहे होंगे और बाद में हमें दो क्वेश्चन और मिल रहा होगा। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, एनर्जेटिक बने रहना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो आसान बना के ही छोड़ना है। चले आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।